हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपके जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 मैं पढ़ता हूँ, स्क्रीन पर है। अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज़। चलो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, 500 हर्ट्ज़ है फ्रीक्वेंसी उसका। इज़ ट्रैवलिंग विथ स्पीड 350 मीटर पर सेकंड। चलो वेलोसिटी दिया है 350 मीटर पर सेकंड। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एट अ सर्टन पॉइंट एट टाइम्स 1.0 मिली सेकंड अपार्ट। टाइम डिफरेंस दिया है उन्होंने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइम डिफरेंस। 1 मिली सेकंड अपार्ट मतलब क्या, दोनों में 1 मिली सेकंड का डिफरेंस है। तो टाइम डिफरेंस लिख लेता हूँ मैं 1 मिली सेकंड, मतलब 10^-3 सेकंड। सही है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और बाद में है व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एट विच आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेज। मतलब फेज डिफरेंस दिया है बाद में। ठीक है, फेज डिफरेंस दिया है 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब कितना होता है आपका, पाई बाय 4। कभी भी फेज डिफरेंस जो है ना हम अभी पाई में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पाई का और लैम्बडा का आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, तो हमको निकालना है, पहली चीज़ है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट 1 मिली सेकंड अपन। ओके, हमें निकालना है फेज डिफरेंस। देखो ये जो है सुपरपोजिशन चैप्टर है, यहाँ पे फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस वही हमको निकालना है। लेकिन पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस हमें नहीं दिया है, टाइम डिफरेंस दिया है। ठीक है, तो टाइम डिफरेंस से हमें पहले पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। अगर पाथ डिफरेंस हमें मिल जाता है तो फेज डिफरेंस भी मिल जाएगा, फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखो सबसे पहले एन और वी दिया है। ठीक है, टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, इसमें कौन आता है, लैम्बडा आता है। तो पहले लैम्बडा निकाल लेते हैं। हमको मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वो हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 500। 0 0 कट, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 7 35 होगा, 0 0 कट होने के बाद, और नीचे आएगा 10। सही है, 5 10 50। ये आ गया आपका लैम्बडा मीटर में। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो लैम्बडा मीटर में आएगा। ठीक, हमें टाइम डिफरेंस दिया है 1 मिली सेकंड का। अभी यहाँ पे क्या है, 1 मिली सेकंड में जो पॉइंट है उस पर पाथ डिफरेंस कितना होगा जब दो वेव्स आएंगी तो। ठीक है, दोनों की इतनी है लैम्बडा। ठीक है, आइडेंटिकल वेव है, तो हमें टाइम डिफरेंस की वजह से अब पहले पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखना हमें मालूम है पाथ इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू क्या होता है, टाइम होता है। तो हम पहले पाथ निकाल लेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी है आपका 350, टाइम है आपका 10^-3। तो कितना आ जाएगा, 0.35 मीटर। सही है, ये है आपका पाथ डिफरेंस। ठीक है, दोनों में कितने का टाइम डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है 10^-3 सेकंड। तो पाथ कैसे आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये पाथ डिफरेंस है। अभी हम क्या करते हैं, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। फेज डिफरेंस एंगल में गिना जाता है और वो आता है पाई में। तो पाई वाला टर्म ऊपर रहेगा, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला भूलना नहीं कभी, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अगर मालूम भी नहीं है तो भी एकदम सिंपल है, हमें बस इतना रिलेशन याद रखना है, 2π इतना जो फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कितना होगा लैम्बडा। कैसे, एक वेव ड्रॉ कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। ठीक है, तो जब फेज डिफरेंस 2π का होता है तो पाथ डिफरेंस मतलब इतनी लेंथ कितनी होती है, लैम्बडा। बस 2π = λ मालूम करो, जैसे ही इधर डिवाइड करते जाएंगे उतने से इधर भी डिवाइड करते जाना, तो फेज डिफरेंस के रिस्पेक्ट में आपको पाथ डिफरेंस मिलते जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, मालूम भी नहीं है तो आप कोरिलेट कर सकते हो। तो फेज डिफरेंस कैसे आएगा, 2π/1। लैम्बडा कितना मिला, लैम्बडा मिला, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 0.7 इंटू पाथ डिफरेंस।
पाथ डिफरेंस मिला देखो 0.35, ठीक है। तो 0.7 और 0.35 में कुछ रिलेशन है, 35 × 2 = 70। तो एक्चुअली 35 नहीं, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 को तो ये मिलेगा, ठीक है। तो 2π इसको ये कट, मतलब 0.35 ये 0.7 को कट करेगा तो कितना आएगा 2, और फिर डिफरेंस हमें मिल जाएगा पाई रेडियन का, ठीक है। दिख रहा है आपको नीचे का, ओके। तो फेज डिफरेंस आ जाएगा आपका पाई रेडियन का। अभी हम निकालते हैं नेक्स्ट बी पार्ट। फेज डिफरेंस अगर 45 डिग्री है तो निकालने को क्या बोला है उन्होंने, एक बार ठीक से मैं देख लूँ प्रॉब्लम। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस निकालना है मतलब पाथ निकालना है। अभी उन्होंने क्या करा है, फेज डिफरेंस दे के रखा है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसको पाथ से इक्वेट करते हैं, हमको मालूम है 2π इज इक्वल टू लैम्ब्डा, सही है। तो यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे पाई बाई 4 करने के लिए हमने यहाँ पे अगर पाई बाई 4 करा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ इसको 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, 8 से। तो मैं क्या करता हूँ लैम्ब्डा को भी 8 से डिवाइड करता हूँ। लैम्ब्डा कितना है हमारा, लैम्ब्डा है 0.7, 0.7 अपॉन क्या करूँगा मैं 8 करूँगा, 0.7 अपॉन 8 करता हूँ तो आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करते हैं, चलो 1/8 कितना आता है 0.7, देखो 1/4 आता है 0.25, तो 1/8 आएगा 0.125। अभी ये 0.125 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 7 से, 0.08 ये आ जाएगा मीटर। इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं अच्छा लगेगा, 8.75 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, मतलब स्मॉलेस्ट पाथ डिफरेंस, ठीक है। डिस्टेंस मतलब पाथ होता है, पाथ डिफरेंस ही हम निकालेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन इज अ साउंड वेव इन अ सर्टन फ्लूइड मीडियम इज रिफ्लेक्टेड एट एन ऑब्स्टेकल टू फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव। एक वेव जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, दोनों का सुपर पोजिशन होगा और स्टैंडिंग वेव यानी स्टेशनरी वेव बनेगी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स, ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स दे के रखा है, विच इज 3.75 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट है इफ वेलोसिटी इज, वेलोसिटी दे के रखा है 1500 मीटर पर सेकंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स होता है लैम्ब्डा बाई 2, ठीक है। तो लैम्ब्डा बाई 2 है तो उसको इक्वेट कर दो 3.75 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो लैम्ब्डा आ जाएगा आपका 3.75 × 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.75 × 2, 3.5 करेंगे तो 7, ये 25 25, ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर लैम्ब्डा, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 10⁻²⁻ मीटर लैम्ब्डा। हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्ब्डा, ठीक है। वेलोसिटी 1500, ठीक है, अपॉन लैम्ब्डा कितना है 7.5 × 10⁻²⁻ 1500, ये 10⁻²⁐ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो अपॉन 7.5। हमें मालूम है 7.5 × 2 क्या होगा 15, तो ये कट हो जाएगा ये 2, तो 200 × 10⁻²⁐ इज इक्वल टू 20 × 10⁻³ इज इक्वल टू 20 kHz। ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, सिंपल है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, आपके स्क्रीन पे है। टू सोर्सेस ऑफ साउंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 मीटर। डिस्टेंस दिया है मतलब पाथ का डिफरेंस दिया है उन्होंने, ठीक है, 4 मीटर। नेक्स्ट दे बोथ इमिट साउंड विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है स्टैंडिंग वेव बनने के लिए, वही एक अच्छी कंडीशन है कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों सही होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बट दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। फेज डिफरेंस फाइव से डिनोट करते हैं, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। एट वॉट पॉइंट्स बिटवीन द टू सोर्सेस विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम।
साउंड इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी वो पॉइंट्स हमें ढूंढने हैं, ठीक है। कौन से पॉइंट्स के, मतलब एक्स की वैल्यू हमें ढूंढनी है कि कौन से पोजीशंस पे हमें एंटीनोड मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली इंटरफेरेंस मतलब सुपर पोजिशन जो है उसी पे बेस्ड है। देखो दो सोर्सेस है, दो सोर्सेस है, एक S1 है और एक S2 है। इधर से एक वेव आ रही है और इधर से एक वेव आ रही है, ठीक है। यहाँ पे उनका सुपर पोजिशन होगा। मान लो यहाँ से इतना डिस्टेंस जो है वही इतना डिस्टेंस है, बाकी सब सेम है। देखो ना फ्रीक्वेंसी सेम है, मीडियम सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी होंगी बराबर है, तो वेलोसिटी सेम होगी। इस मिडल पॉइंट पे जब वो पहुँचेंगे, मिडल पॉइंट पे जब वो पहुँचेंगे तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा उनके बीच में? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। साउंड वेव है फिर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो वहाँ पर मैक्सिमम जो है मैक्सिमम साउंड वाला पॉइंट मिलेगा। बोलने का ये है कि एट द सेंटर ऑफ द सोर्सेस, एट द सेंटर ऑफ सोर्सेस पाथ डिफरेंस कितना? जीरो। देयरफॉर मैक्सिमम वाला कहाँ पे मिलेगा हमें? सेंटर पे। तो मैक्सिमम जो है वो सेंटर पे मिलेगा। अभी हमको बोला है उन्होंने, लेकिन ये जो है आपका फाइ जो है वो क्या है? 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। 180 डिग्री आउट ऑफ फेस जो है तो हम क्या करते हैं इसका पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं बाकी पॉइंट्स पे। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा देखना, ये है फाइ इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। हमको मालूम है 2 पाई इज इक्वल टू लैम्डा होता है, सही है, 2 पाई इज इक्वल टू लैम्डा। तो पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2 ये है हम जो वेलोसिटी इसका निकाल सकते हैं क्या? तो वेलोसिटी दिया नहीं है ना, तो वेलोसिटी जब कोई मीडियम नहीं दिया होता है, ठीक है, तो उस मीडियम को हम एयर मान के चलते हैं और वेलोसिटी कितना लेंगे उसका? 330 लेते हैं, एयर में वेलोसिटी 330। तो क्यों लिया? क्योंकि हमें यहाँ पे लैम्ब्डा जो है ना लैम्ब्डा की वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है हमको। तो देखो लैम्ब्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एन, 330 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 330। तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर। तो लैम्ब्डा बाय 2 हो जाएगा आपका 0.5 मीटर, सही है। तो ये उसको समझ के चलो। अभी जब फेज डिफरेंस लैम्ब्डा बाय 2 और पाथ डिफरेंस होगा 0.5 मीटर, तो आपका क्या बनते जाएगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला साउंड बनते जाएगा। मिडल पे हमेशा क्या मिलेगा? मैक्सिमम वाला। और जो दो सक्सेसिव मैक्सिमम होंगे, हर एक मैक्सिमम के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्ब्डा बाय 2। हमने पढ़ा है सक्सेसिव एंटी नोड्स और नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्ब्डा बाय 2। तो ये तो मैक्सिमम है, ये तो बीच वाला है, इसके इधर और इसके इधर ये जो है ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा लैम्ब्डा बाय 2। तो ये होगा लैम्ब्डा बाय 4, ये भी होगा इतना लैम्ब्डा बाय 4। सेंटर में तो आपको क्या मिलना है? मैक्सिमम ही मिलना है, ठीक है। तो ये लैम्ब्डा बाय 4 है, तो सेंटर से ये सेंटर वाली पोजीशन से लैम्ब्डा बाय 4 कितना होगा? लैम्ब्डा बाय 4 होगा 0.25। सेंटर से इधर पॉजिटिव बोलेंगे, सेंटर से इधर नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो लैम्ब्डा बाय 4 हो जाएगा प्लस माइनस 0.25। तो ये मिडल पोजीशन से इधर प्लस 0.25 पे भी मुझे ब्राइट मिलेगा। इंटरफेरेंस की बात करते हैं लाइट की, या फिर साउंड है तो यहाँ पे प्लस 0.25, यहाँ पे माइनस। वापस क्या करेंगे, ये दूसरा जो ब्राइट बनेगा इसका ये मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, ये वाला जो मैक्सिमम है ये मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब एंटी नोड्स में सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है या डिस्टेंस कितना होता है? लैम्ब्डा बाय 2। तो ये पहला मिला, इसमें और लैम्ब्डा बाय 2 ऐड कर दो, इसमें और लैम्ब्डा बाय 2 ऐड करेंगे तो 0.25, लैम्ब्डा बाय 2 है 0.5, हो जाएगा 0.75। तो ये प्लस माइनस 0.75 दोनों साइड पे, इधर भी वापस लैम्ब्डा बाय 2 ऐड करो, इसमें क्या होगा 0.75 प्लस लैम्ब्डा बाय 2 है 0.5, 75 और 5, 75 और 5 कितना होगा? 75, 2500 और बाकी 25, ये हो जाएगा 1.25। इसको भी लिख दो प्लस माइनस 2π, ये आगे मिल जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे सब, ठीक है, मिडल से। और यहाँ पे भी प्लस माइनस 2π पे क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम मिलता जाएगा। तो मैक्सिमम की पोजीशंस क्या होंगी?
प्लस माइनस 2 5, प्लस माइनस 7 5, प्लस माइनस 1.25, ऐसे डिस्टेंस आगे आगे जाते जाएंगे मिडल से इधर और इधर, ताकि जब तक अपना दोनों साइड के सोर्स रीच ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम था इसको थोड़ा एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना था, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। हमको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि दो सक्सेसिव जो मैक्सिमम से मतलब जो एंटी नोड से उनके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए लैम्ब्डा बाय टू, और दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एग्जैक्ट बीच में, ठीक है, क्या होता है हमेशा मैक्सिमम वाला पॉइंट प्रोड्यूस हो जाएगा दोनों सोर्सेज के एग्जैक्ट बीच में। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करना था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन इज आपके स्क्रीन पे है, टू साउंड वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इफ देयर फ्रीक्वेंसीज आर आल्सो आइडेंटिकल एंड आर इक्वल टू 540 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स एंड 3 मीटर फ्रॉम अदर सोर्स। इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल है, उन्होंने एक्चुअली पाथ डिफरेंस दिया है अलग लैंग्वेज में, 3.5 फ्रॉम वन सोर्स और दूसरे से कितना 3 मीटर, ठीक है, तो दोनों में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.5 मीटर का। आगे है, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स एंड 3 मीटर फ्रॉम द अदर, इफ द सोर्सेस आर इन फेज। अभी हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी दिया है, स्पीड दिया है, वेलोसिटी दिया है 330 मीटर पर सेकंड, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी दिया है हमको 540 हर्ट्ज। इससे पहले चलो लैम्ब्डा निकाल लेते हैं, वी बाय एन, 330 अपॉन 540, 00 कट, 33 अपॉन 54 क्या होगा, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 11 अपॉन, ये कितना 3 1 3, 11 बाय 18, 11 बाय 18 की वैल्यू की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, उसको बाद में देखेंगे। हमको निकालना है फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस, चलो फेज डिफरेंस निकालते हैं। देखो इन फेज का मतलब मैंने बोला फेज डिफरेंस जीरो होना या हमेशा सेम होना, ठीक है, फेज डिफरेंस है, अब भी पढ़ा हमने 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो 2 पाई लैम्ब्डा है हमारा 11 बाय 18, तो 11 और 18 ऊपर आ जाएगा, इंटू पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस है 0.5। इसको सॉल्व करते हैं क्या होगा, 2 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा 1, तो 18 बाय 11 इंटू क्या आएगा, पाई आएगा, तो 18 बाय 11 सॉल्व कर लेते हैं, 18 बाय 11 आएगा आपका 1.63 और याद बाजू का पाई, तो इतना होगा आपका फेज डिफरेंस 1.63 पाई। बस यही था इसमें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन इज, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन आर स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर। सोनोमीटर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए लैब में यूज़ किया जाता है, ठीक है, पहले था सिलेबस में, अभी आपको सिलेबस में नहीं है, 12th महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, उस पर न्यूमेरिकल है, लेकिन वो न्यूमेरिकल मैं समझाता हूँ। वन वायर इज़ लोडेड विथ 1.5 kg एंड अनदर इज़ लोडेड विथ 6 kg, ठीक है, द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज 60 cm एंड इट्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ द सेकंड वायर। देखो न्यूमेरिकल बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है, टू वायर्स है, ठीक है, सेम मटेरियल, ठीक है, एंड सेम क्रॉस सेक्शन। अभी इसका मतलब क्या है, वायर है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वगैरह है, टेंशन लगाया है, ठीक है, तो इसका जो है समझ में आना चाहिए, जो m है, m मतलब क्या, लीनियर मास डेंसिटी, मटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, सब सेम है, तो लीनियर मास डेंसिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट है, ठीक है, ये समझ के चलना होगा। और पहली वायर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और दूसरी वायर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों भी इक्वल है, दोनों भी इक्वल है, तो हमको रिलेशन मालूम है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L, ये L जो है ना कैपिटल, इसको बोलते हैं वाइब्रेटिंग लेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं वाइब्रेटिंग लेंथ फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट T / m,
वेयर टी इज टेंशन, ठीक है, तो दोनों वायर के लिए टेंशन दे के रखा है, तो एन वन क्या हो जाएगा, टू एल वन टी वन अपॉन एम, एम वन नहीं लिखूंगा क्योंकि एम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और एन टू के लिए क्या हो जाएगा, एन टू के लिए हो जाएगा वन अपॉन, ये दूसरी वायर के लिए, ठीक है, टू एल टू अंडर रूट टी टू अपॉन एम, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ठीक है, तो देयरफॉर एन वन अपॉन एन टू क्या हो जाएगा, एन वन अपॉन एन टू हो जाएगा, देखो वन बाय टू कट, लेंथ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एल टू बाय एल वन, इन्वर्सली के लिए हमको मालूम है, यहाँ पे अगर वन टू लिखेंगे तो इधर टू वन लिखना होता है, और टेंशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टेंशन टी वन अपॉन टी टू ही आएगा, एन वन इक्वल टू एन टू दे के रखा है उन्होंने, ठीक है, देयरफॉर वन इज इक्वल टू एल टू अपॉन, एल वन दे के रखा है, एल वन जो है ना वो है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका रोटेशन बंद कर दूं मैं पहले, ठीक, एल वन 60 सेंटीमीटर दिया है तो इसको लिख लेते हैं 0.6 मीटर, तो ये आ जाएगा 0.6 अंडर रूट टी वन, पहली वायर को कितना टेंशन दिया है, पहली वायर को टेंशन दिया है 1.5 kg, तो टेंशन क्या होता है, फोर्स, तो 1.5 kg को हमको 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.5 × 9.8, कुछ नहीं ऐसे भी 9.8 बाद में कैंसिल होगा, और दूसरी वायर को वेट लगाया है 6 kg, 6 kg को टेंशन में कैसे लिखेंगे, 6 × 9.8, खत्म, 9.8 ऐसे भी कट हो जाएगा, देयरफॉर स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड पे, ठीक है, तो 1 = L2² / 0.36, ठीक है, L2 थोड़ा ओके इज इनटू ये बचेगा 1.5 / 6, ठीक है, 9.8 तो कट हो जाएगा, यहाँ पे ढंग से देखते हैं, ये 0.36 को इधर लेके आता हूँ मैं, ठीक है, इनटू 6, ये 1.5 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू L2² देयरफॉर 15 मान लो इसको, तो इसको 60 मानना पड़ेगा, ये 15 बोलेंगे तो इसको 60 बोलेंगे, 15 × 4 = 60, तो 1.5 और 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 इधर, ठीक है, तो 0.36 × 4 = L2², ये करेंगे तो इसका आता है 1.44 = L2² और 1.44 किसका स्क्वायर रूट होगा, हमको मालूम है 12² होता है 144, तो 1.2 का स्क्वायर होगा 1.44, तो ये दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डालो तो ये आ जाएगा 1.2, ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी किस में आएगा, लेकिन ये वो मीटर में लिया है तो ये भी मीटर में आएगा L2, और हमको L2 ही निकालना है, वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ सेकंड वायर, तो वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ सेकंड वायर हमको मिल गई कितनी है, 1.2 मीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, क्वेश्चन इज अप्लाई पाइप क्लोज्ड एट वन एंड कैन प्रोड्यूस ओवर टोन्स एट फ्रीक्वेंसीज, ओवर टोन्स वाली फ्रीक्वेंसीज दी है, ठीक है, ओवर टोन कितने नंबर का है वो भी नहीं दिया है, ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं पीथ ओवर टोन क्या है, 640 हर्ट्ज पे मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद में आगे वाला भी कौन सा है वो नहीं पता चल रहा है, इसको बोलेंगे 896 हर्ट्ज, खाली लिख लेते हैं पहले, उसके बाद में 1152 हर्ट्ज। अब ये जो ओवरटोन्स है वो सीक्वेंस वाइज है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, मान लो मतलब ये फर्स्ट है तो ये सेकंड होगा कि थर्ड होगा कि फोर्थ ओवरटोन होगा, ओवरटोन की बात हो रही है, और ये भी कौन सा ओवरटोन होगा हमको मालूम नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, इन सब का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, इसका डिफरेंस निकालो तो 6 बचेगा 5, तो इन दोनों का डिफरेंस है 256 हर्ट्ज, वापस इन दोनों का निकाल लो, इन दोनों का भी 12 6 है कितना 52 हर्ट्ज। देखो अभी क्या है, डिफरेंस अगर सेम आता है तो ये जो ओवरटोन्स है ना, ये ओवरटोन्स एकदम सीक्वेंस में है, मतलब क्या, अगर ये पी तो ओवरटोन है तो ये है पी प्लस वन, ठीक है, और ये है नेक्स्ट वाला पी प्लस टू, सही है, ऐसे ओवरटोन्स हमको दी है, अगर ये डिफरेंस ये 256 आता और ये 256 के मल्टीपल में आता 512, तो फिर ये नहीं होता, नेक्स्ट ओवरटोन नहीं होता, उसके आगे वाला होता था फिर, ठीक है, डबल अगर डिफरेंस हो जाता तो पी प्लस टू नहीं होता, ये पी प्लस थ्री होता, तो पहले डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस अगर सेम आता है तो समझ जाना ये कॉन्जिक्यूटिव ओवरटोन से,
यहाँ पे डिफरेंस सेम है, तो कॉन्जिक्यूटिव ओवरटोन से हमको निकालना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, ठीक है? तो दोस्तों इसको स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। दिया है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। क्वेश्चन में हमको है ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ढूंढना है और हमको दिया है ओवरटोन। तो पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए ओवरटोन और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन हमें मालूम होना चाहिए, वो है पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू 2p प्लस वन इंटू हार्मोनिक्स। और हार्मोनिक्स मतलब क्या, नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो देखो ये पीथ है, ये पी प्लस वन है, सही है? तो पीथ ओवरटोन इतना, तो पी प्लस वन ओवरटोन कितना आएगा, तो पी की जगह पे पी प्लस वन डाल दो, टू पी प्लस वन इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी हार्मोनिक का एन लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2p प्लस टू प्लस वन मतलब 2p प्लस थ्री इंटू एन। हम क्या करते हैं अभी, पीथ और p प्लस वन ओवरटोन हमको मालूम है, ये पीथ ओवरटोन है, ये p प्लस वन ओवरटोन है, ठीक है? इनकी वैल्यू हमको मालूम है, ये दोनों हम क्या करते हैं फिर इधर हार्मोनिक की जगह पे मैं एन लिख लेता हूँ वापस, डिवाइड कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, उल्टा करते हैं इसको, इससे डिवाइड करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 2p प्लस थ्री अपॉन नीचे आ जाएगा 2p प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nn इज इक्वल टू इसकी वैल्यू, पी तो ओवरटोन की वैल्यू है 640, नहीं हमने p प्लस वन लिया ना, तो p प्लस वन है 896 अपॉन 2p प्लस वन, किसके लिए है, पी तो ओवरटोन है ये वाला 640। दोनों को मेरे ख्याल से चार से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं, कितना आ जाएगा, फोर्टीन बाय टेन, ठीक है? बस इतना ही करेंगे, ठीक है? देयरफॉर 2p प्लस थ्री अपॉन 2p प्लस वन इज इक्वल टू 14 बाय टेन। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन, 10 इंटू 2p 20p प्लस 10 इंटू 3 30 इज इक्वल टू 14 इंटू 2p 28p प्लस 14 इंटू 1 14 क्या हो जाएगा, देखा ये 20p उधर चल जाएगा, 14 इधर आ जाएगा, 30 माइनस 14 16, ये 28 है उधर गया, 28p माइनस 20p 8p, तो p कितना आ गया आपका, p आ गया 2, ठीक है? हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, तो चलिए ये वाला रिलेशन यूज़ कर लेते हैं, ये वाला p तो ओवरटोन दे के रखा है हमको, कितना है 640 इज इक्वल टू 2p प्लस वन 2 इंटू पी, पी की वैल्यू निकाल चुके हम, 2 इंटू 2 प्लस वन हार्मोनिक्स, सही है? तो 640 इज इक्वल टू 5 इंटू एन, एन इज इक्वल टू 640 अपॉन 5, एन ही निकालना है ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 5 वन जा 5 बचे कितने, 1 बचे 4, 5 टू जा 10 4 बचे 0, 5 एट जा 40, बस एन इज इक्वल टू 128 हर्ट्ज़। ये एन की वैल्यू जो है ना वही क्या है हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 शायद, ठीक है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, सॉरी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 16th क्वेश्चन है, अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड इन अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है? ओपन एट बोथ एंड्स है ट्यूब, ये है अभी 16th वाला एक्चुअली, ओपन एट बोथ एंड्स, पाइप है ट्यूब है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी दे के रखी है 300 हर्ट्ज़, सही है? उसके बाद में व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ क्या है ट्यूब की वो निकालना है, एंड करेक्शन वगैरह कुछ दिया नहीं है, ठीक है? स्पीड ऑफ साउंड दे के रखा है, स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो देखिए क्या है, ओपन एट बोथ एंड्स का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है उसी में वैल्यू डालनी है बस, वी अपॉन 2l, वेयर वी इज फ्रीक्वेंसी, l इज द लेंथ, वाइब्रेटिंग लेंथ, ठीक है? l ही निकालना है, तो देयरफॉर l इज इक्वल टू क्या, वी अपॉन 2n, वी है 340 अपॉन 2 इंटू 300, एक एक जीरो को कट कर दो, ठीक है? इज इक्वल टू 34 अपॉन
ये हो जाएगा 60। 34 अपॉन 60 कितना होता, उसको दो से डिवाइड करेंगे और क्या, 17 बाय 30। अगर करेंगे तो उसका आंसर होगा 17 / 30 इज इक्वल टू 0.566। तो इसको ऐसे लिख देना, 0.57 लिख दो, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो ये ला जाएगा 0.57 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, बस छोटा सा था क्वेश्चन। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, फिर वापस ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है, फर्स्ट ओवरटोन निकालना है हमको, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन मतलब 2n, उसके बाद में निकालना है हमको सेकंड ओवरटोन मतलब ये ओपन एट बोथ एंड्स है ना, तो सेकंड ओवरटोन 3n, क्योंकि जब पाइप ओपन एट बोथ एंड्स होता है ना तो सारी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो पहली फ्रीक्वेंसी जो है उसको फर्स्ट हार्मोनिक, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी जो आएंगी वो 2n, उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। उसके भी नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी जो आएंगी वो होगी 3n, उसको बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। ओके, वो निकालना है सब। ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, लेंथ दे के रखा है पाइप का 25 सेंटीमीटर, 0.25 मीटर। ओके, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड, वी इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड। सिंपल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप भी देखा नेक्स्ट प्रीवियस एग्जांपल में, वी अपॉन 2L, ठीक है, इज इक्वल टू 330 अपॉन 2 इंटू 0.25, 330 अपॉन 0.5, 25 × 2, 50, ठीक है। तो 0.5 से डिवाइड करना मतलब क्या, 2 से मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 660 हर्ट्ज, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई 660 हर्ट्ज से 2N, 2N मतलब 660 इंटू 2 करो, क्या आ जाएगा 0, 2 बचा 1, 1320 हर्ट्स, ठीक है। 3N 660 इंटू 3, 0, 18, 19, सही है, 660, उसके बाद में 1320, उसके बाद में 1980 हर्ट्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन 17 का आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपके इस सुपरपोजिशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर लिया है। अभी थोड़े न्यूमेरिकल बच जाते हैं, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।